दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, आपको कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन साधु संत बहुत सारे मिल जाएंगे। साधु संत का अर्थ है संसार की मोह माया का त्याग कर लोगों की भलाई में अपना संपूर्ण जीवन दे देना। और हर साधु संत के अपने ही मत और प्रथाएं होती हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैरत अंगेज काम करते हैं कि सबको चौंका देते हैं, जैसे कि गर्म खोलते दूध में नहाना। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही बाबा से मिलवा रहे हैं जो खोलते हुए दूध में नहाता है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रहने वाले इस बाबा ने 2019 के चुनाव के नतीजों को लेकर एक भविष्यवाणी भी की है, इसलिए आजकल ये बाबा मीडिया में भी नजर आता है। बता दें कि ये बाबा गोवर्धन पूजा के समय गर्म दूध से नहाने का कारनामा कर लोगों को हैरान करता है। सोनभद्र में एक पुरातन परंपरा काफी समय से चलती आ रही है। इस परंपरा के तहत लोग गोवर्धन पूजन में एक वीर लोरिक पत्थर का पूजन करते हैं। इस पूजन के समय दूध को गर्म किया जाता है और पूजन के बाद पुजारी इस गर्म दूध में खुलेआम स्नान करता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। इस बाबा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर काफी लोग हैरान रह गए हैं। खैर, भविष्य में क्या होगा ये समय ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि 2019 में कौन सी पार्टी चुनाव में अपना लोहा मनवाने वाली है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही मज़ेदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।